दोस्तों आज हम ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस इंडिया में काफी नया है और फ्यूचर में काफी ग्रो करने वाला है, क्योंकि हमारे देश के लगभग सभी कार बनाने वाली कंपनी या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं या आने वाले सालों में लॉन्च करने वाले हैं। मतलब आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। आने वाले समय में आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं दिखेंगी, आपको सड़कों पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़ता हुआ नजर आएगा। अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे पेट्रोल की गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का डिमांड आने वाले समय में काफी ज्यादा होने वाला है और हमें अपनी नज़र इस बिजनेस आइडिया पे जरूर रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, नंबर 1, ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है और इसमें प्रॉफिट कितना होता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा लोकेशन सबसे बेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बिजनेस को हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर आपको डिस्कॉम से चार्जिंग स्टेशन का क्लियरेंस लेना जरूरी है इसे ऑपरेट करने के लिए। डिस्कॉम ये चेक करता है कि आपके सारे इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं और सेफ्टी मानक सही हैं कि नहीं। इसके लिए डिस्कॉम एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर या कोई रिप्रेजेंटेटिव को आपके यहाँ भेजता है सारी चीजों को चेक करने के लिए। गवर्नमेंट का दूसरा रूल ये कहता है कि आपका चार्जिंग स्टेशन की दूरी किसी और चार्जिंग स्टेशन से कम 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पर कोई मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप कितने भी एरिया में ये सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा है कि गाड़ियों की आवाजाही आराम से होनी चाहिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हर चार्जिंग स्टेशन पर मिनिमम 3 फास्ट चार्जर और 2 स्लो या मॉडरेट चार्जर होना चाहिए। फास्ट चार्जर में एक CSS मिनिमम 50 किलोवाट, एक CHAdeMO मिनिमम 50 किलोवाट, Type 2 AC मिनिमम 22 किलोवाट और स्लो में भारत DC 001 15 किलोवाट, भारत AC 001 10 किलोवाट की होनी चाहिए। नीचे दिए टेबल में आप इसके वोल्टेज देख सकते हैं और कनेक्टर गन की डिटेल्स भी देख सकते हैं। मतलब फास्ट में सिर्फ एक एक कनेक्टर गन की जरूरत पड़ती है। कनेक्टर गन बेसिकली डिवाइस होता है जिसको कि हम गाड़ी के चार्जर से प्लग करते हैं चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट, हर चार्जिंग स्टेशन पे एक एक्सक्लूसिव ट्रांसफार्मर होना चाहिए। यहाँ पावर ट्रांसमिशन के लिए जो केबल यूज होगी वो 33 से लेकर 11 किलोवाट की होगी। अप्रोप्रिएट सिविल वर्क होना चाहिए, मतलब कि चार्जिंग स्टेशन की फ्लोरिंग, पेंटिंग, ब्रांडिंग, बोर्ड, सेड, CCTV, ये सब कुछ वहाँ अच्छे से लगा होना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल्स और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल्स आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने उस वेबसाइट का लिंक और उस डॉक्यूमेंट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में कितने पैसे खर्च होंगे। यहाँ आप लोगों के लिए मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले प्रोजेक्ट का सेटअप कॉस्ट निकाला है। एज पर द गवर्नमेंट रूल वहाँ 3 फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए और 2 स्लो चार्जिंग होनी चाहिए। तो फास्ट चार्जिंग की जो कॉस्ट होती है CSS की 50 किलोवाट की, वो करीब 7.5 लाख की होती है। उतना ही CHAdeMO की 50 वाट की कॉस्ट होती है 7.5 लाख। Type 2 AC 22 किलोवाट की जो कॉस्ट आती है वो करीब 1,25,000 आती है। अगर हम स्लो चार्जिंग की बात करें तो भारत DC 001 के 15 किलोवाट की जो कॉस्ट आती है वो करीब 2,40,000 आती है। भारत AC 001 की 3.3 किलोवाट की 3 चार्जिंग गन वाली जो चार्जिंग मशीन आती है उसकी कॉस्ट जो होती है 70,000 होती है। बैटरी स्वैप स्टेशन का मैंने यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ बैटरी को गाड़ी से चेंज करते हैं, इसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होता है। न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, केबलिंग, पैनल, ब्रेकर्स, एनर्जी मीटर, इन सब का जो कॉस्ट आएगा वो करीब 7.5 लाख आएगा। सिविल वर्क के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो करीब 2.5 लाख आएगी, जिसमें आपकी फ्लोरिंग, ब्रांडिंग, पेंटिंग, सेड, ये सारा कुछ कवर हो जाएगा।
यहाँ EVSE मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की जो कॉस्ट आएगी वो करीब 50,000 रुपए आएगी। अब ये क्या होता है, एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको किसी ऑनलाइन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करना होगा फॉर द ऑनलाइन बुकिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशन स्लॉट। सो जो कार ऑनर है वो ऑनलाइन अपने ऐप से स्लॉट बुक कर लेंगे, वहां से वो पेमेंट भी कर सकते हैं और आपके यहाँ सीमलेस वो गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करना ही होगा बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट रूल। तो इसका वन टाइम जो सेटअप फी है वो है 50,000, सीसीटीवी पे जो खर्च आएगा वो आएगा करीब 30,000। सो आपका टोटल जो कैपेक्स हो गया, मतलब टोटल जो आपका सेटअप कॉस्ट हो गया वो करीब 30,15,000 हो गया। तो आपके इन 5 चार्जर वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन की जो पर डे की जो कैपेसिटी है वो 3,240 किलोवाट है। अब हम इस बिजनेस का ओपेक्स देखते हैं, यानी कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है डे टू डे में। तो आपको यहाँ 1 स्किल्ड स्टाफ रखना होगा जिसकी महीने की सैलरी 25,000 होगी, तो साल की करीब 3,00,000 हो गई। इस साइट को मेंटेन करने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए एक आपको अनस्किल्ड स्टाफ रखना होगा जिसका कॉस्ट करीब 15,000 पर महीने का आएगा, तो साल का इसका 1,80,000 हो गया। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कॉस्ट जो है वो करीब 6,000 हो गई। ईवीएसई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो कमीशन फी होगी वो 10% होगा आपका मार्जिन का। अगर इस सेटअप को लगाने के लिए आपके पास खुद की जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पैसे नहीं लगेंगे। अदरवाइज आपको लीज पे जमीन लेना होगा जिसका एवरेज कॉस्ट करीब 50,000 रुपया पर मंथ आएगा, जो कि डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी। साल भर की जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो करीब 30,000 से 40,000 के बीच में आएगा। तो टोटल जो आपका ओपेक्स हो गया, यानी कि जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, वो 11,22,000 रुपए हो गए सालाना। चार्जिंग इक्विपमेंट के सेलर की जानकारी के लिए आप इंडिया मार्ट चेक कर सकते हैं। जो कंपनियां ईवीएसई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उन कंपनियों का नाम का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बिजनेस में हमारी कमाई कितनी होती है। कोई भी बिजनेस हमेशा एक समान नहीं चलता, इसलिए अर्निंग के आकलन के लिए हमने 3 तरह का सिनेरियो लिया है, बैड, मॉडरेट एंड गुड, यानी बुरा, मध्यम और अच्छा। तो शुरुआत हम बैड सिनेरियो से करते हैं जहां हमारी सेल सिर्फ 50% है, यानी टोटल कैपेसिटी का हम सिर्फ 50% सेल करते हैं। तो साल भर की जो हमारी कैपेसिटी है वो है 11,82,600 किलोवाट, जिसमें अगर हम सिर्फ 50% सेल करते हैं तो हमारा जो सेल हो गया 5,91,300 किलोवाट, और अगर हमारा मार्जिन 3 रुपया है इलेक्ट्रिक टैरिफ के ऊपर तो हमारा साल भर का जो रेवेन्यू है वो है 17,73,900, और जो साल भर का हमारा ओपेक्स है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो है 11,22,000। ईवीएसई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो फी है, जो उसकी ट्रांजेक्शन फी होती है, वो करीब 10% होता है आपके टोटल रेवेन्यू का, तो वो हो गया 1,77,390 रुपीज। तो आपका टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया वो हो गया 12,99,390 रुपीज। तो हमारी जो टोटल अर्निंग आई बिफोर टैक्स, जिसको कि हम एबिटा कहते हैं, वो आया 4,74,510 रुपीज। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम ब्रेक इवन जो होंगे वो करीब 6.5 साल में होंगे। नेक्स्ट हम मॉडरेट सिनेरियो को देखते हैं, यानी मध्यम सिनेरियो को, जहां हमारा सेल जो है वो 75% है, 75%। यहां पर हम जो साल भर में टोटल सेल हमारा होता है वो होता है 8,86,950 किलोवाट। जो हमारी रेवेन्यू होती है वो होती है 26,60,850 रुपीज। यहां जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 11,22,000, और हमारा टोटल जो ओपेक्स आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, वो आता है 13,88,085 रुपया, और जो हमारा एबिटा आता है, जो हमारा अर्निंग आता है, वो आता है 12,72,765 रुपया। इस हिसाब से हम जो ब्रेक इवन होंगे वो करीब 2.5 साल में होंगे। अब हम गुड सिनेरियो को अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो सेल हो रहा है वो करीब 95% हो रहा है, यानी कि टोटल जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है उसका हम 95% सेल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा साल भर का जो रेवेन्यू है वो है 33,70,410 रुपीज, और जो हमारा टोटल अर्निंग आ रहा है वो आ रहा है 19,11,369 रुपीज, और इस हिसाब से हम करीब 1.5 साल में ब्रेक इवन हो रहे हैं। ये जो टोटल अर्निंग है हमारी, ये सिर्फ 5 यूनिट से आ रही है, मतलब कि सिर्फ 5 चार्जिंग मशीन से आ रही है, जिसमें कि 3 फास्ट है और 2 स्लो है। जब हम नंबर ऑफ चार्जिंग मशीन इंक्रीज करेंगे तो हमारी अर्निंग और भी बढ़ जाएगी।
ईवी चार्जिंग स्टेशन को आप किसी मॉल के पार्किंग में लगा सकते हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के पार्किंग में लगा सकते हैं, किसी आईटी पार्क या कॉर्पोरेट ऑफिस के पार्किंग में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शहर के अन्य पार्किंग प्लॉट में भी इसे लगा सकते हैं। इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसे अभी जल्दबाजी में स्टार्ट ना करें। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को सही संख्या में मार्केट में आने दीजिए, उसके बाद आप इसे स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।